पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। इसने अपनी बेटी को गांव से बाहर शहर में भेजा पढ़ने के लिए, उसकी बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए। और जब कोई औरत बिगड़ जाए तो वो सारी पुश्तों को कलंकित करके छोड़ जाती है। उसके कलंक का श्राप उसके सारे परिवार को, उसके सारे वंश को, उसके पूरे गांव को भुगतना पड़ता है। ऐसी औरत को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? तो उठाओ पत्थर और दो इस औरत को सजा। नहीं बेटा, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछोगे। हम चाहते हैं पहला पत्थर हमें हमारे शौहर मारे। ए, थैंक यू मीरा जी, सही समय पर आकर मदद करने के लिए। लेकिन आराम से समझे। तुम सिर्फ चुड़ैलों पर पत्थर मारते हो ना, तो इन सारी औरतों ने भी, जो तुम्हारी घर की औरतें हैं, इन्होंने भी मर्दों वाले काम करना शुरू कर दिया है। तो हम सब चुड़ैले हैं। मारो पत्थर। हाँ हाँ, मारो पत्थर, मारो पत्थर, मारो पत्थर।
ठीक है, लेकिन ये हाय हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है आपको देख के। ये मीरा है। मीरा जी? जी जी, मीरा जी। हाँ वही मीरा जी है, ये स्पेशल पुलिस, हमारे थाने परिवार का हिस्सा ही समझो। लेकिन ये हाँ बताएंगे ना, इत्मीनान से बैठेंगे और बताएंगे तुमको, ठीक है? लेकिन एक चीज तो कमाल है, हसीना बाजी यहाँ है नहीं और सब लोग हमारी कितनी मदद कर रहे हैं। क्योंकि हसीना मलिक किसी का नाम नहीं बल्कि एक सोच है, और आज उसी सोच की जीत हुई है। बिल्कुल सही, वही सोच जो एक बेजान मशीन में भी जज्बात भर देती है। पकड़ो इनको। क्या बात है संतोष शर्मा, आप सिंगाड़े बहुत खाने लगी हैं क्या? हाँ? एकदम सही टाइम पर आए। मेरी टीम को मेरी जरूरत थी तो मैं कैसे नहीं आती। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि हम कहाँ हैं? साइबर सेल में काम करने के अपने फायदे हैं मालूम। पूरे डिपार्टमेंट में केस को लेके बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, और पता चला कि डिपार्टमेंट से मदद मांगने से भी आप लोगों ने इनकार कर दिया। तो मुझे लगा शायद ये देवलिया ब्रदर्स के पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से आप लोगों ने इनकार किया होगा, तो आप लोगों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की तो वो भी नहीं हो पाया। इवेंचुअली मुझे आप लोगों की लोकेशन ट्रेस करनी पड़ी और पता चला कि आप यहाँ पर है देवलपार में। बहुत बढ़िया संधु, तुमने एक नंबर काम किया। तुम इंटेलिजेंट और मासूमियत का एकदम अनोखा संगम हो। बिल्कुल हो। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।